वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतास्मि मुनित्रयम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्राग्विद्यावारिधि षण्मासिक पाठ्यक्रम कार्यक्रमे स्त्री प्रत्ययाः इति विषयमधिकृत्य स्वविषयम् अत्र व्याख्याने प्रस्तोतुं माम् आहूतवद्भ्यः आचार्येभ्यः स्नातकोत्तरव्याकरणविभागस्य आचार्येभ्यः यदुवीर डाक्टर् यदुवीर शास्त्रीमहोदयेभ्यः प्रणामः, तथा च अत्र अनुसन्धानं चिकीर्षुभ्यः छात्रेभ्यश्च नमस्काराः। यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यक् ब्राह्म्याः स वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रं तस्मादतः प्रथमम् एतदधीत्य धीमान् शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी इति वचनमस्ति भास्कराचार्यस्य। नाम शब्दज्ञानस्य अनिवार्यता सर्वैरपि पदे पदे अनुभूयते एव। शब्दज्ञानम् अन्तरा लोकयात्रा न प्रवर्तते। काव्यादर्शे अपि अतः दण्डिना अभीतं वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते इति। इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दाह्वयं ज्योतिः आसंसारं न दीप्यते इत्युक्तमस्ति। शब्दज्ञानस्य सरलतमः उपायः वर्तते व्याकरणाध्ययनं। न चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दाः शक्याः ज्ञातुम् इति महाभाष्यकारस्य पतञ्जलि भगवतः पतञ्जलेः वचनम् इदम् अस्ति। व्याकरणशास्त्रे प्रक्रियासन्दर्भे मूलतः त्रिविधाः शब्दाः दृश्यन्ते, यथा सुबन्तशब्दाः, तिङन्तशब्दाः, अव्ययाश्च। प्रातिपदिकात् यदा यस्मात् प्रातिपदिकात् सु औ जस् इत्यादयः सुप्रत्ययाः विधीयन्ते ते सुबन्तशब्दाः इति उच्यन्ते। धातोः यदा तिङ् नाम तिप् तस् इत्यादयः विधीयन्ते ते तिङन्तशब्दाः इति व्यवह्रियन्ते। एवं च अव्ययशब्दा सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु तिसृषु च विभक्तिषु नाम सर्वासु विभक्तिषु अपि यन्नव्येति तद् अव्ययं नाम परिवर्तनं रूपेषु परिवर्तनं न जायते तदव्ययम् इत्युच्यते, यथा च वा अथ इत्यादयः शब्दाः। यद्यपि अवयवशब्दाः अपि सुबन्ताः एव तथापि तत्र सुब्लुग् अबाधितः, सर्वदा सुब्लुग् भवति इत्येव वैशिष्ट्यम् अव्ययशब्देषु। अतः ब्राह्मणवसिष्ठन्यायेन अव्ययस्य अत्र मया पृथक् उल्लेखः कृतः, व्याख्यानादिषु अपि तथा दृश्यते। एवं च प्रकृतिप्रत्ययविभागकल्पनया प्रकृति अत्र मया संस्कृतेतरछात्राः अपि सन्ति इति आचार्याणां निर्देशेन किञ्चित् अहं हिन्दीभाषायामपि प्रयसिष्ये। प्रकृति और प्रत्यय के विभाग की कल्पना करके विभागकल्पनया साधुशब्दानाम् उपदेशः पाणिनिना कृतो वर्तते। प्रत्यय के आधार पर यदि शब्द का विभाग यदि हम करते हैं तो तत्र शब्दानां वैविध्यम् व्याख्यानादिषु दृश्यते, उपलभते। व्याख्यानादि ग्रंथों में प्रत्ययों के आधार पर जब शब्दों का विभाग करते हैं तो तिङन्त शब्दाः, कृदन्त शब्दाः, तद्धितान्त शब्दाः, यदा तिङ् प्रत्ययाः तदा तिङन्त शब्दाः, यदा कृत् प्रत्ययाः विधीयन्ते, जब कृत् प्रत्यय करते हैं हम प्रकृति से तो कृदन्त शब्द कहलाते हैं, जब हम प्रकृति प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय करते हैं तो वो तद्धितान्त शब्द कहलाते हैं, और जब प्रातिपदिक से हम स्त्री प्रत्यय करते हैं तो वो स्त्री प्रत्ययांत शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से व्यवहार प्रसिद्ध है।
आचार्य पाणिनि ने चतुर्थ अध्याय में न्याय प्रातिपदिका ऐसा अधिकार आरंभ करके स्त्रियाम ये अधिकार सूत्र उपदिष्ट किया है। स्त्रियाम इत्यधिकार अधिकार वर्तते। स्त्रियाम इस अधिकार में जितने भी सूत्र पाणिनि ने निर्देश किए हैं उन सूत्रों के द्वारा जो जिन प्रत्ययों का निर्देश किया है वही प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो स्त्रियाम अधिकार के अंतर्गत पाणिनि ने किन प्रत्ययों का निर्देश किया है तो कहते हैं अष्टविधः स्त्री प्रत्ययाः। वे स्त्री प्रत्यय आठ प्रकार के हैं। टाप डाप चाप जिनको आप ऐसा भी व्यवहार किया जाता है जिनके लिए नीप नीश नीन नी इस व्यवहार से नीप नीश नीन इन तीनों प्रत्ययों का बोध होता है। इसी प्रकार से उंग प्रत्यय है और ती प्रत्यय है। तो यहाँ मैंने आपको स्लाइड में दिख रहा होगा विशेष विशेष सूत्रों का निर्देश किया है। टाप डाप चाप इत्यादि विधायक अन्य भी सूत्र हैं लेकिन विशिष्ट जो सूत्र हैं यहाँ पर मैंने उनको स्लाइड में रखा है। जैसे अजाद्य तष्टाप है टाप विधायक सूत्र। डाभुभाभ्याम अन्य तरस्याम इस सूत्र से डाप प्रत्यय किया जाता है। यंगश्चाप यह सूत्र है वहां पे सूर्याचाप इति वक्तव्यम ऐसा वार्तिक ऐसी वार्तिक भी है। ऋण्येभ्यो ङीप टिड्ढाणे इत्यादि अन्य भी सूत्र है जिनसे ङीप प्रत्यय विधान किया जाता है। तो कुमार इस शब्द से स्त्रियाम इस अधिकार में निर्दिष्ट होने पर जब ङीप प्रत्यय का विधान होता है तो कुमारी ऐसा शब्द बनता है। कुमार शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर वयसी प्रथमे आगे सूत्र आएगा जब हम चर्चा करेंगे तो स्त्री प्रत्ययांत यह शब्द स्त्रीत्व रूप अर्थ को बोध कराता है। जब कुमार इस पुल्लिंग शब्द से हम स्त्री प्रत्ययांत शब्द करते हैं तो कुमारी यह स्त्रीत्व अर्थ का बोध कराता है। कुमारी गच्छति कुमारी पश्यति एवं च प्रातिपदिकात् अर्थात शब्द से जिस यस्य प्रत्ययस्य विधानोत्तरम जिस प्रत्यय के विधान के पश्चात स्त्रीत्व रूप अर्थ की प्रतीति होती है उन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। वस्तुतः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ये प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र में कहा है आचार्य ने त्रिविधम अपि एतत् लिंगम जाति व्यक्तिवत प्रातिपदिकार्थः एव। ये तीनों ही लिंग प्रातिपदिक के ही अर्थ होते हैं। तत्र पंचकम प्रातिपदिकार्थः त्रिकम प्रातिपदिकार्थः इत्येवं पक्षाः सन्ति विचारिताः। एवं च प्रातिपदिकात् नाम कुमार इस शब्द से ही जब स्त्रीत्व अर्थ का बोध हो जाता है ऐसा अभिप्राय है आचार्य का। तो जब कुमार शब्द से ही स्त्रीत्व अर्थ का बोध हो जाता है त्रिविध लिंग विषय का प्रतीति यदि प्रातिपदिका देव भवति चेत पुनः स्त्री प्रत्यय स्त्रीत्व रूप अर्थ को बोध करने के लिए स्त्री प्रत्यय की क्या आवश्यकता है। तो वहां कहते हैं जैसे एकः द्वौ बहवः इति शब्दाः सन्ति तत्र द्विशब्देन एक शब्देन एकत्वे उक्ते अपि पुनः एक वचन संज्ञकः सुप्रत्ययः द्विवचन संज्ञकः औप्रत्ययश्च विधीयते तत्र विभक्तिरिह अनुवादिका भवति इति आचार्येण उक्तम्। तद्वदेव प्रातिपदिकार्थेन यः अर्थः उच्यते तस्यैव अर्थस्य अनुवादकाः एते स्त्री प्रत्ययाः भवन्ति इति बोध्यम्। उक्तेष्वपि एकत्वादिषु तत्र प्रथमा इत्युक्तम् एवमत्र स्त्रीत्वमपि प्रातिपदिकेनैव वाच्यम्। टाबादयस्तु टाब इत्यादि प्रत्यय जो है केवल प्रातिपदिक से कहे हुए अर्थों के स्त्रीत्व अर्थ के द्योतक मात्र होते हैं। टाप डाप चाप इत्यादि स्त्री प्रत्ययों के विधान से ही स्त्रीत्व अर्थ का बोध होता है ऐसा आवश्यक नहीं है। स्त्री प्रत्ययों के प्रयोग से ही शब्द स्त्रीलिंग अर्थ को स्पष्ट करते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना स्त्री प्रत्ययों के भी शब्द स्त्रीत्व अर्थ के द्योतक होते हैं। जैसे आपह गी ही दिक् शब्द वर्तते दिग् दिशौ दिशा इति पूहु
ये शब्द बिना स्त्री प्रत्ययों के भी स्त्रीत्व अर्थ को स्पष्ट करते हैं। प्रत्येक पुल्लिंग शब्द का स्त्री रूप एवं प्रत्येक स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग रूप हो यह कोई आवश्यक नहीं है। बहुशः ऐसे शब्द हैं जो केवल स्त्रीलिंग में या फिर केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे संपत, विपत, रात्रि इत्यादि शब्द जिनका पुल्लिंग रूप नहीं होता है। वैसे ही तो किन प्रतीकों से, किन शब्दों से करना है और शब्दों से नहीं करना है, ये सारी व्यवस्था कहते शिष्ट प्रयोगों पर आश्रित है। शब्दों का लिंग निर्णय जो है थोड़ा दुष्कर कार्य है। संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग का निर्णय अन्य भाषाओं के जैसा नहीं है, थोड़ा भिन्न है। स्त्रीवाचक दारा शब्द है, जैसे दारा शब्द संस्कृत भाषा में, संस्कृत प्रयोगों में नित्य पुल्लिंग है जबकि वो स्त्रीवाचक है, और वहीं योषित शब्द है, वनिता शब्द है जो कि स्त्रीलिंग में है। ऐसे ही जलवाचक अप शब्द है, आपह, नित्य स्त्रीलिंग है जबकि वारी, तोय इत्यादि अन्य शब्द नपुंसक लिंग में है। देवतावाचक शब्द है अजर, निर्जर इत्यादि पुल्लिंग है। देवता शब्द स्वयं अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार लिंग निर्धारण शिष्ट प्रयोगों की परंपरा के आधार पर ही किया गया है। पाणिनीय लिंगानुशासन, पाणिनी से पूर्ववर्ती भी कई वैयाकरण हुए हैं जिनमें से शंतनु और व्याडी का लिंगानुशासन शास्त्र उपलब्ध होता है, ऐसा युधिष्ठिर मीमांसक जी ने व्याकरण शास्त्र के इतिहास में बताया है। तो तत्त्वत व्याकरण शास्त्र के लिंगानुशासन ग्रंथ भी आचार्यों ने लिखे हैं, पाणिनी आचार्य का भी लिंगानुशासन वृत्ति उपलब्ध है वर्तमान में। तो इस प्रकार संस्कृत में पुल्लिंग या नपुंसक लिंग बनाने के लिए शब्दों में किसी भी प्रत्येक विशेष का विधान नहीं किया गया है, लेकिन स्त्रीलिंग शब्दों के प्रयोग के लिए प्रत्येक विशेष का विधान किया गया है। स्त्री प्रत्ययों से संबंध विशेष कार्य को दर्शाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ही आचार्य ने स्त्री प्रत्यय, स्त्रियाम ऐसा अधिकार वचन करके स्त्री प्रत्ययों का, स्त्री प्रत्यय निर्दिष्ट कार्यों का स्त्री प्रकरण में निर्देश किया। प्रक्रिया ग्रंथों में भी स्त्री प्रत्यय प्रकरण पृथक रूप से दर्शाया गया है। पुल्लिंग प्रत्यय प्रकरण या फिर नपुंसक लिंग प्रत्यय प्रकरण इस प्रकार भिन्नतः नहीं दर्शाया गया है। तो प्रश्न होता है स्त्रीत्वम नाम किम। यहाँ पे स्त्रीलिंग प्रत्यय प्रकरण, स्त्रियाम, स्त्री प्रत्ययाः एतदस्माभिः अधीयते इदानीं। तो स्त्रीत्वम नाम किम, स्त्रीत्व किसे कहा है? तो लोक व्यवहार में जो स्त्रीत्व परिचायक, पुंस्त्व परिचायक या चिह्नम वर्तते, जो चिह्न है वो यहाँ पर शास्त्र में नहीं लेना है। तो किम तरह स्वीकार्यम, तो कहते हैं संस्थान प्रसव लिंगम आस्थेय, भाष्यकार ने कहा है महाभाष्य में, नम संस्थान प्रसवयो लिंगत्वम आचार्येण उक्तम, एतौ संस्थान प्रसवौ स्त्रीत्वरूपम पुंस्त्वरूपम च यथाक्रमम लिंगम आस्थेयौ। वहीं वाक्यपदीकार कहते हैं आविर्भावः तिरोभावः, आविर्भावः तिरोभावः स्थितश्चित्यनपायिनः धर्मामूर्तिषु सर्वासु लिंगत्वेन अनुदर्शिताः सर्वमूर्त्यात्मभूतानां शब्दादीनां गुणे गुणे त्रयः सत्वादि धर्मास्ते सर्वत्र समवस्थिताः। नाम आविर्भावः तिरोभावः, संस्थानम नाम तिरोभावः, अपचयः ह्रासः, प्रसवः नाम आविर्भावः उपचयः। तर्हि संस्थानम यत्र
गुणानां तिरोभावः भवति तत् स्त्रीत्वं यत्र गुणानां उपचयः आविर्भावः भवति तत् पुंसकम् उभयोः साम्यावस्था स्थितिश्च नपुंसकत्वम् इति आचार्येण उक्तम् सांख्यशास्त्रोक्त सत्व रजस तम तमस सांख्यशास्त्र में कहे गए सत्व रज तम इन तीनों गुणों का विपरिणाम ही सृष्टि है दृश्य पदार्थ है जब ये तीन गुण ये त्रिगुण किसी पदार्थ में गुणों का प्रसव आविर्भाव और उपचय तिरोभाव जब अपेक्षित होता है तभी वहां उन शब्दों में पुंस्त्व और तत्त शब्दों में स्त्रीत्व की अपेक्षा होती है और जहां स्थिति मात्र विवक्षित होता है वहां नपुंसक लिंग का उन शब्दों के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है इसीलिए सामान्य नपुंसकम ऐसा लिंगानुशासन शास्त्र में आचार्य ने कहा है कि सामान्य स्थिति मात्र की विवक्षा होने पर नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है ऐसा तो इस प्रकार स्त्री प्रत्यांत शब्दों को हम पंचधा विभक्तुम शक्ता भवती म्यूट अभूत अनम्यूट करो श्रूयते खलु इस प्रकार स्त्री प्रत्यांत शब्दों को हम पांच प्रकार से विभक्त करके समझ सकते हैं समझने के लिए पांच प्रकार से विभाग किया गया है जाति लक्षण स्त्री प्रत्यांत शब्द हैं कुछ पुयोग लक्षण स्त्री प्रत्यांत शब्द हैं स्वांग लक्षण स्त्री प्रत्यांत शब्द हैं साधारण स्त्री प्रत्यांत शब्द विशेषार्थक स्त्री प्रत्यांत शब्द हैं कुछ तो इस आधार पर हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं अग्रसर होते हैं तो जाति लक्षण स्त्री प्रत्यांत शब्द जैसे जाते रस्त्री विषयादयोपधात ये आचार्य ने सूत्र निर्दिष्ट किया है तो जाते रस्त्री विषयादयोपधात इति सूत्रेण जातिवाची यत् अस्त्री विषयम् नाम स्त्रीलिंगे एव नियतम् न भवेत् जातिवाची जो अस्त्री विषय है अयोपद है यकार उपधा में नहीं होना चाहिए तो ऐसे प्रातिपदिक से ङीष् प्रत्यय का विधान किया है तो जाति जाति किसे कहते हैं जातिवाची जातिवाचक शब्द क्या है तो कहते हैं लोके जाति शब्देन यादृशः अर्थः गृह्यते तदेव न शास्त्रे तस्य ग्रहणम् नैव स्वीकार नैव कार्यम् तरी किम तरी जाति लक्षणम् तो कहते हैं आकृति ग्रहणा जाति ही लिंगानां च न सर्वभाग सकृत आख्यात निर्ग्राह्या गोत्रम् च चरणैः सह ये जाति का लक्षण बताया नाम गृह्यते इति ग्रहणम् व्यंजकम् इत्यर्थः आकृति ही ग्रहणम् व्यंजकम् यस्याः सा आकृति ग्रहणा भवति नाम आकृति से पहचाने जाने वाली जाति होती है तात्पर्य यह है कि विशेष आकृति के कारण जब पदार्थ बोध हो जाता है जिस पदार्थ का बोध होता है उसे जाति कहते हैं जैसे कुक्कुट कुक्कुटहा शूकरहा घटहा तो कुक्कुट गौहु इस प्रकार आकृति विशेष का बोध जब एक बार हो जाता है तब समान वस्तु को समान तत्सदृश पदार्थ को जब अन्यत्र हम देखते हैं तो समान जाति आकृति के कारण हमें उस अर्थ का बोध हो जाता है तो इस प्रकार कुक्कुट है गऊ है घटह है इत्यादि ये सारे शब्द जातिवाचक होते हैं और इन शब्द से जब स्त्रीत्व की विवक्षा होती है तो कुक्कुटी स्त्रीत्व अर्थ में ङीष् प्रत्यय हो जाता है इसी प्रकार तट शब्द भी जातिवाचक है एकत्र जल के समीप जब हम तट को देख लेते हैं तदुपरांत अन्यत्र जब समान स्थान को देखने पर उसी प्रकार का बोध हो जाता है इसलिए तट शब्द भी जातिवाचक है जातिवाचक होने से ङीष् प्रत्यय स्त्रीत्व की जब विवक्षा होगी तो ङीष् प्रत्यय करके तटी शब्द बनता है
इसी प्रकार वृषली, वृषल शब्द भी जातिवाचक है। ब्राह्मण शब्द भी जातिवाचक है क्योंकि एकत्र जब ब्राह्मण शब्द वहां कहते हैं सकृद आख्यात निर्ग्राह्या, लक्षण में बताया है लिंगानां च न सर्वभा सकृद आख्यात निर्ग्राह्या। नाम हाँ इत्यादि शब्द हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा शुक्ल कृष्ण। एक बार जब वर्णवाची प्रातिपदिकों से सकृद आख्याते सति जातित्वेन शुक्लादीनां ग्रहणम् न भवति, जब शुक्ल एक जगह हमने बोध कर लिया कि ये शुक्ल वर्ण है ये कृष्ण वर्ण है, तो यत्र यत्र शुक्लत्वं दृश्यते तत्र तत्र शुक्लत्वस्य ज्ञानं भवति, जहां जहां हम सफेद वर्ण देखेंगे कृष्ण वर्ण देखेंगे तो उसका बोध होता है। तो एतदपि जाति ही वा इति संशयः, लिंगानां च न सर्वभा इति लक्षणं निर्दिष्टम्, नाम सर्वेषु लिंगेषु तस्य प्रयोगः न भवेत्। तर्हि शुक्लः पटः, शुक्ला शाटी, शुक्लं वस्त्रं, त्रिषु लिंगेषु अस्य प्रयोगः वर्तते, अतः शुक्ल शब्दः जातिवाचि नास्ति इति। ब्राह्मण शब्दस्तु जातिवाचि अस्ति खलु, किन्तु जातिवाचित्वे सत्यपि सकृदाख्यात निर्ग्राह्य अस्ति। तर्हि जातिवाचित्वे सति अपि जातिवाचि होने पर भी यहाँ पे जातेर स्त्री विषय दयोपदादेश सूत्र से निष् प्रत्यय का विधान नहीं किया गया है, क्योंकि शारंगरवादी गण में ब्राह्मण शब्द पढ़ा गया है, विशेष विधान है निष् प्रत्यय का अपवाद है मीन प्रत्यय। शारंगर वाद्ययोगीन इस सूत्र से अपवाद नीन प्रत्यय का विधान करके ब्राह्मणी शब्द बनता है। इसी प्रकार शूद्र शब्द भी जातिवाची है, तो शूद्र शब्द यह अजादिगण दष्टाप, इस सूत्र में अजादिगण में पढ़े जाने से शूद्रा चा महत् पूर्वा जाति है, यह गणसूत्र पढ़ा गया है वहां पर। गणसूत्र पढ़े जाने से शूद्र शब्द से नीष प्रत्यय का, यद्यपि नीष प्रत्यय होना चाहिए था क्योंकि जातिवाची है, किंतु नीष प्रत्यय का अपवाद टाप प्रत्यय होकर के शूद्रा शब्द बनेगा। इसी प्रकार औपगव गोत्रम च चरण ही सह, जाति लक्षण में एक चरण है गोत्रम च चरण ही सह, नम गोत्रवाची अपत्यार्थक जो शब्द है से भी क्या होता है वे शब्द भी जातिवाचक कहलाते हैं। तो जातिवाची होने से उपगोह अपत्यम स्त्री ऐसा कहने पर नीष प्रत्यय होगा, किससे जातेर स्त्री विषयादयोपधात, इस सूत्र से ही नीष प्रत्यय होगा। वस्तुतः उपगोह अपत्यम अण प्रत्यय होता है तस्यापत्यम से, तो अण्णंत होने के कारण से इड्ढाणे अण्णंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व किया गया है। तो अण्णंत प्रातिपदिक है औपगव शब्द, किंतु जातिवाची है इसलिए नी प्रत्यय का अपवाद नीष प्रत्यय का विधान करके औपगवी शब्द सिद्ध होता है। यहाँ पे इस तरफ मैंने दिखाया है जैसे मुंडा इत्यादि शब्द है, मुंड आकृति जब लक्षण बताया आकृति ग्रहणा जाति ही, तो मुंड आकृति देख करके भी सब जगह मुंडत्व का बोध होता है, तो मुंडत्व जाति हो गई क्या? कहते हैं नहीं, मुंडत्व जाति नहीं है। जातिवाची न होने से मुंड शब्द से टाप प्रत्यय ही विधान किया जाएगा। शुक्ल शब्द अभी मैंने बताया कि सकृद आख्यात निर्ग्राह्यत्वात् अस्य जातित्वम् इति भासते, किंतु लिंगानां च न सर्वभाग सभी लिंगों में प्रयोग किया गया इसलिए जातिवाची नहीं है। शुक्ला ही स्त्रीत्व की विवक्षा में शुक्ला यही बनेगा, नीप या नीश प्रत्यय नहीं होंगे। इसी प्रकार मक्षिका, पिपीलिका, यूका, यहाँ पे अस्त्री विषय सूत्र में कहा है जाते हे
अस्त्री विषयात अयोपधात एवं नीश प्रत्ययः भवति। यद्यपि मक्षिका पिपीलिका यूका खट्वा इत्यादि शब्द जो हैं जातिवाची हैं, फिर भी नित्य स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर अदंत लक्षण टाप ही होगा, नीश प्रत्यय नहीं होगा। टाप प्रत्यय करके मक्षिका है। क्षत्रिय वैश्य शब्द तो जातिवाची हैं, तो नीश प्रत्यय होना चाहिए था, लेकिन सूत्र में कहा है अयोपधात, यकार उपधा वाले प्रातिपदिक से शब्दों से नीश प्रत्यय नहीं होगा, इसलिए क्षत्रिय यकार उपधा में है, वैश्य इस शब्द में भी यकार उपधा में है, अतः टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय किससे, अजाद्यतष्टाप अदंत लक्षण टाप प्रत्यय अत्र विधीयते। मानुषी, मनुष्य शब्द भी, मनुष्य शब्द भी क्या है, यकार उपधा वाला है, तो अयोपध कहने से मनुष्य शब्द से भी नीश नहीं होना चाहिए था। किंतु एक वार्तिक पढ़ी है, योपध प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम, तो उस वार्तिक में मनुष्य शब्द का ग्रहण किया है, वार्तिक में कहा है कि इन से अप्रतिषेध कर देना चाहिए, मतलब कि नीश प्रत्यय इन शब्दों से योपध का प्रतिषेध होने पर भी इन शब्द नाम मनुष्य मुकय हय गवय आदि शब्दों से नीश प्रत्यय हो जाएगा, तो मनुष्य शब्द योपध होने पर भी मानुषी नीश प्रत्यय। इस प्रकार जाति लक्षण स्त्री प्रत्ययांतों का मैंने संक्षेप में यहाँ पर कुछ सूत्र रूप में उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है। आगे है पुंयोग लक्षण स्त्री प्रत्ययांत शब्द। पुंयोग नाम पुंयोग, पुंसा योग पुंयोग, पुंयोगादाख्यायाम इति सूत्रम वर्तते। पुंयोगात आख्यायाम या पुमाख्या नाम पुंयोगात स्त्रियां वर्तते, ततः नीश प्रत्ययः भवति। नाम पुरुष के संबंध के कारण जब स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्रीलिंग में पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग होता है, पुरुष के संबंध के कारण जब स्त्रीलिंग के अर्थ की विवक्षा में पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग होता है, तो उस अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व अर्थ की विवक्षा में नीश प्रत्यय का विधान किया गया है। अभिप्राय तात्पर्य यह है कि पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द यदि स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रयोग के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द के लिए स्त्रीत्व अर्थ को स्पष्ट करने के लिए नीश प्रत्यय का विधान किया जाता है, यही इसका तात्पर्य है पुंयोगाद आख्यायाम का। तो यहाँ पे पुंयोग पुंसा योग पुंयोग से केवल दाम्पत्य संबंध ही नहीं स्वीकार करना है, बल्कि पिता पुत्री भाव संबंध, भ्रातृ भगिनी भाव का संबंध भी स्वीकार किया है। जैसे स्त्री गणक पुल्लिंगवाची शब्द है, और जब गणक शब्द को गणकस्य पत्नी ऐसा कहना होगा तो गणकी नीश प्रत्यय करके बनता है गणकी, ठीक है। इसी प्रकार महापात्रस्य पत्नी जब दाम्पत्य संबंध को बताना होगा तो महापात्री नीश प्रत्यय करके बनेगा। इसी प्रकार गोपी शूद्री है ना, गोपस्य स्त्री नाम गाम पालयति यह सह गोपः, किंतु गोपस्य पत्नी गोह पालनम न करोति, केवलम सह गोपस्य यह गोपालकः तस्य स्त्री अस्ति उसकी पत्नी है, इसलिए जब गोप शब्द का प्रयोग करना है तो स्त्रीत्व की विवक्षा में नीश होकर के गोपी। ऐसे ही शूद्र शब्द से पुंयोग शूद्रस्य स्त्री ऐसा जब कहना होगा तो शूद्री बनेगा। और जब स्वयं कोई स्त्री गोपालन कार्य कर रही है उसके लिए नीश प्रत्यय नहीं होगा, बल्कि
टाप ही होगा, अदंत लक्षण अजाद्य तष्टाप से टाप होकर के गोपा बनेगा। ऐसे ही स्वयं यदि कोई स्त्री शूद्र जाति से तो उसको शूद्रा टाप होगा। ऐसे ही गणकस्य स्त्री ज्योतिषी की पत्नी मात्र है ऐसा कहने से, वह स्वयं ज्योतिषी नहीं है बल्कि ज्योतिषी की स्त्री है ये कहने के लिए गणकी शब्द का प्रयोग है। लेकिन यदि स्वयं कोई स्त्री ज्योतिषी स्वयं है तो उसके लिए गणिका शब्द का प्रयोग होगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। तो पुंयोगे एव निष्प्रत्ययः, यदि पुंयोग नास्ति साक्षात स्त्रीत्वस्य विवक्षितम चेत् स्त्रीत्वं विवक्षितं चेत् अदन्त लक्षण टाप प्रत्ययः भवति। ये पति पत्नी भाव के संबंध से ये उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हैं। अब आगे कहते हैं कि पिता और पुत्री का जो संबंध है वहां पर भी पुंयोग स्वीकार किया जाना है। तो देवकी शब्द है, जैसे देवकस्य दुहिता पुत्री, इस अर्थ में देवकी शब्द का प्रयोग होगा निष्प्रत्यय करके। लेकिन यदि किसी स्त्री का नामकरण है तो देविका, वहां पर टाप प्रत्यय होकर के देविका। इसी प्रकार श्याली, श्यालस्य भगिनी, श्यालस्य भगिनी कहना होगा तो श्याली होगा। स्वयं तत्स्त्रीत्व अर्थ को बोध कराना है तो टाप प्रत्यय होकर के श्याला। ऐसे ही यमस्य भगिनी यमी, अन्यत्र साक्षात स्त्रीत्व की विवक्षा में यमा। तो इस प्रकार पुंयोग लक्षण स्त्रीत्व का यहाँ पे निर्देश करके, पुंयोग लक्षण यदि स्त्रीत्व बोध कराना है तो नीश प्रत्यय होगा, यदि साक्षात स्त्रीत्व अर्थ का बोध होना है तो टाप प्रत्यय का विधान है। इसी प्रकार एक वार्तिक है अर्य क्षत्रियाभ्याम वा इति, जब अर्य और क्षत्रिय इन दो शब्दों से स्वार्थ में क्या होता है निश प्रत्यय होता है। अर्य शब्द से स्वार्थ में निश होगा, ठीक है, मतलब पुंयोगे न है ना, तो वैश्य जा अर्य नाम वैश्य, तो अर्यस्य पत्नी अर्यी, क्षत्रियस्य पत्नी क्षत्रियी बनेगा। लेकिन जब पुंयोगा भाव वर्तते तदा अर्याणि अर्या क्षत्रियाणि क्षत्रिया इत्येवम्। इसी विषय को आचार्य ने अमरकोश में कहा है अर्याणि स्वयं अर्या स्यात्, स्वयं स्वतः यदि वो शुद्ध वैश्य जाति से है तो अर्याणि अर्या शब्द का प्रयोग होगा। क्षत्रिया क्षत्रियाणि अपि, उपाध्याया उपाध्यायी स्यात्, आचार्यापि च स्वतः, आचार्याणि तु पुंयोगे। नाम यदि आचार्यस्य पत्नी इति पुंयोगेन तस्य आचार्यत्वं विवक्षितं चेत् आचार्याणि इति शब्दस्य प्रयोगः। साक्षात् यदि सा स्वयं व्याख्यात्री अस्ति, स्वयं पंडिता अस्ति चेत् आचार्या, स्त्रीत्वे विवक्षिते टाप भवति आचार्य। एवमेव उपाध्यायानि उपाध्यायी इति प्रयोगः, नाम यदि सा उपाध्यायस्य पत्नी अस्ति चेत् उपाध्यायानि, इन्द्र वरुण भव इति सूत्रेण अत्र आनुकागमः निष्प्रत्ययश्च विहितः। तर्हि विकल्पेन उपाध्यायानि उपाध्यायी, यदा सा स्वयं अध्यापयति, स्वयं अध्यापिका वर्तते चेत् उपाध्याया इति प्रयोगः वर्तते। एवञ्च पुंयोगलक्षणाः एते प्रत्यय स्त्रीशब्दाः स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दाः अत्र विवेचिताः। स्वाङ्गलक्षण स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दाः केचन सन्ति। स्वांगलक्षणस्ति प्रत्यांत शब्दाः यथा सूत्रमेकं वर्तते स्वांगा चोपसर्जना दसंयो गोपधात् इति एकं सूत्रं वर्तते स्त्रियाम् इत्यधिकारे एव। अत्र यहाँ पे उपसर्जन स्वांगवाची शब्द से समास में यदि उत्तर पद में कोई स्वांगवाची शब्द हो, जैसे केश है, मुख है, आप यहाँ पे उदाहरणों में देखिए नख है, तो स्वांगवाची शब्द हैं ये सारे। यदि स्वांगवाची शब्द उत्तर पद में हो तो अदंत प्रातिपदिक से विकल्प से नीश प्रत्यय का विधान किया जाता है स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर। तो केशान अतिक्रांता अतिकेशी अतिकेशा दोनों बनेगा, नीश विकल्प है तो टाप हो जाएगा। इसी प्रकार चंद्र इव मुखम यस्याः, सा
चंद्रमुखी और चंद्रमुखा दोनों ही प्रयोग बनेंगे, एक बार नीश हो जाएगा, पक्ष में टाप हो जाएगा। अति स्वेदा, स्वेद भी क्या है, स्वांग ही है ना, हमारे शरीर का ही अंग है स्वेद। तो कह रहे हैं कि नहीं, स्वांग का लक्षण दिया है, पारिभाषिक लक्षण लेना है। अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम, प्राणिस्थम भवेत् खलु अद्रवम भवेत् तरलम न भवेत्, तरलता न भवेत्, तरलता अस्ति चेत् तत् स्वांगम स्वांग लक्षणे नान्तर्भवति, तर्हि स्वेदः तरल पदार्थ, अतः न तत् स्वांगम, स्वांगवाचित्वा भावा, स्वांगवाची नहीं है इसलिए यहाँ पे नीश नहीं होगा। इसी प्रकार सुज्ञाना शोभनम ज्ञानम यस्याः, ज्ञानमपि अस्मत् अंगतया अवयत्वे नैव वर्तते, तथापि स्वांग लक्षणे किमुक्तं मूर्तिमत् नाम दृश्यम् आकृतिमत् भवेत्, ज्ञानं तु मूर्तिमत् न भवति, अतः अदृश्य भूतत्वात् अनाकृतिमत्वात् ज्ञानं स्वांगवाचि न भवति, अतः अत्र स्वांग लक्षणः नीश प्रत्ययोपि न विधीयते, टाप प्रत्यय का विधान हो जाएगा स्त्रीत्व की विवक्षा में। तो सुज्ञाना, ऐसे ही सुमुखा, सुंदरं मुखं यस्याः शालायाः, जिस शाला का मुख नाम मुख्य द्वार सुंदर है। तो शाला स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ पे सुमुखा ऐसा प्रयोग किया गया है। तो उत्तर पद में मुख शब्द तो दृश्य है, किंतु मुख इति अत्र शब्दः प्राणिस्थः नास्ति, प्राणिस्थ मुख शब्द का यहाँ अभिप्राय नहीं है, बल्कि द्वार का मुख्य भाग, शाला का मुख्य द्वार इस अर्थ में है। तो मुखवाची नाम प्राणिस्थ मुख शब्द का यहाँ पे ग्रहण नहीं किया है, इसलिए यह स्वांगवाची नहीं है। स्वांगवाची नहीं होने से यहाँ पर स्वांग लक्षण नीश प्रत्यय का भी विधान नहीं किया जाएगा। तो स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या होगा, तो कह रहे हैं अदंत लक्षण, अदंत लक्षण नाम अजाद्य तष्टाप से टॉप प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार आगे है शूर्पनखी शूर्पनखा, नख शब्द भी स्वांगवाची है, किंतु शूर्पनखी शूर्पनखा यहाँ पे आगे एक सूत्र है, नख मुखात संज्ञायाम, है ना, नख और मुख इन दो शब्दों से यदि संज्ञा गम्यमान हो रही हो तो नीश प्रत्यय का निषेध किया गया है। असंज्ञा होगी मतलब किसी का नामकरण यदि है, जैसे शूर्पणखा रावणस्य भगिनी इति वयम् जानीमः, राक्षसी इति संज्ञा वर्तते, तो संज्ञा यदि गम्यमान हो रही है तो नीश प्रत्यय नहीं होगा, शूर्पणखा बनेगा। यदि संज्ञा नहीं है, आपको शूर्पाणि इव नखानि यस्याः ऐसा कहना है, शूर्प के सदृश नाखूनों वाली ऐसा यदि कहना है, तो वहां पर नीश हो जाएगा और टाप भी विकल्प से हो जाएगा, स्वांगवाची होने से स्वांग लक्षण नीश और टाप दोनों ही हो जाएंगे। तो शूर्प नखी और शूर्प नखा इस प्रकार से प्रयोग बनेंगे। तो ये स्वांग लक्षण स्त्री प्रत्ययों का निर्देश किया है। कुछ स्त्री प्रत्यांत शब्द हैं जो साधारण हैं, साधारणतः निर्देश किए गए हैं, जैसे रिन्नेभ्योंगीप नामारिकारांत और नकारांत प्रातिपदिक होंगे तो उनसे ङीप प्रत्यय का विधान किया गया है। तो कर्त्री रिकारांत शब्द है, है ना, करोति या सा कर्त्री, ददाति या सा दात्री, है ना, ङीप प्रत्यय रिकारांत होने से ङीप। ऐसे ही स्वामिन राजन गुणिन ज्ञानिन इत्यादि शब्द जो नकारांत शब्द होंगे उनसे भी ङीप प्रत्यय होगा। टिड्ढाणे सूत्र है, यहाँ पे प्रत्ययों का निर्देश किया गया है क्रमशः, यदि टित होंगे प्रातिपदिक यदि टित है तो नीप होगा, जैसे देवट नदट शब्द टित है तो देवी नदी नीप प्रत्यय होता है। ऐसे ही ढ प्रत्ययांत है तो सौपर्णेयी, अण प्रत्ययांत शब्द है तो ऐन्द्री, अय है तो औत्सी, इस प्रकार से सभी प्रत्ययों का निर्देश। तयप है तो पंचतयी, तयप प्रत्ययांत शब्द है तो पंचतयी, नी प्रत्यय का विधान किया है। ठक प्रत्यय है तो आक्षिकी, ठक प्रत्यांत शब्दों से भी नी प्रत्यय का विधान किया गया है। इसी प्रकार उगितश्च सूत्र है, यदि उगित प्रातिपदिक है, जैसे भा धातु से
डवतु प्रत्यय करके, डवतु में उकार की इत संज्ञा होती है, जब उकार की इत संज्ञा होगी तो ये उगित बन जाएगा, उक इत यस्य सह उगित, और उगित प्रातिपदिक है यदि तो ङीप प्रत्यय होता है, उगित प्रातिपदिक होने से ङीप प्रत्यय होकर के भवति यह शब्द सिद्ध होता है। भू धातु से क्षत्रि प्रत्यय करेंगे तो भवत बनेगा, क्षत्रि में री की इत संज्ञा है अतः यह भी उगित है, उगित होने से यहाँ पर भी उगितस्य से ङीप होगा कि भवन्ति, पचन्ति, दीव्यन्ति, इस प्रकार से शब्द ङीप प्रत्ययान्त शब्द सिद्ध होते हैं। ऐसे ही वयसि प्रथमे, है ना, प्रथम वयः गम्यमान हो रहा हो तो भी कुमार शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीप प्रत्यय होता है कुमारी, किशोर शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीप हो जाएगा किशोरी, कुमारी नाम अप्रादुर्भूत यौवना, किशोरी नाम इत्यपि कालकृत विशेषावस्था एव अत्र गम्यते। तो इस प्रकार वयसि प्रथमे, प्रथम वयगम्यमान हो तो कुमार शब्द से ङीप, किशोरादि शब्द से ङीप हो जाता है। त्रिलोक शब्द है त्रिलोकी, ठीक है, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है त्रिलोकी, अत्र समाहार द्विगुः, हेलो, तो समाहार द्विगु होकर के त्रिलोक शब्द से कहते हैं अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियाम इष्टः, एक इष्टि है आचार्य की, अकारांतोत्तर पद जो है वो स्त्रीत्व में इष्ट है, तो त्रिलोक शब्द जो है द्विगु समास हुआ है यहाँ पे और त्रिलोक अकारांत शब्द है, तो ऐसे जो द्विगु समास हैं जो अकारांत हैं वहां यदि स्त्रीत्व की विवक्षा है तो स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर ङीप प्रत्यय का विधान है। तो त्रिलोकी, तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, यहाँ पर भी तो द्विगु समास है तो द्विगु समास होने से त्रिभुवनम, यहाँ पे क्यों ङीप प्रत्यय नहीं हुआ है, अकारांत शब्द है त्रिभुवन, अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः से होना चाहिए, तो कह रहे नहीं, पात्राद्यन्तस्य न, अपवाद है ये, पात्राद्यन्तस्य न, अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः जो इष्टि है उसी का अपवाद कहा है कि पात्राद्यंत यदि है, पात्रादिगण के अंतर्गत पठित शब्द है उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा ही नहीं है, और जब स्त्रीत्व की विवक्षा ही नहीं है तो विवक्षा होने पर ना स्त्री प्रत्यय का विधान किया जाएगा, तो विवक्षा ही नहीं है तो स्त्री प्रत्यय भी नहीं होगा, अतः स नपुंसकम से नपुंसक लिंग होकर के त्रिभुवनम शब्द बनेगा। ऐसे ही त्रयाणाम फलानाम समाहार, यहाँ पर त्रयाणाम फलानाम समाहार, यहाँ पर भी द्विगु समास है तो अकारांत शब्द भी है, त्रिफल अकारांत है द्विगु है तो स्त्रीत्व में ङीप होना चाहिए था, तो कह रहे नहीं, स्त्रीत्व में ङीप तो होना चाहिए था लेकिन ङीप का अपवाद है टाप, आजादी गण में पढ़े जाने से, अजाद्यंतर गणत्वात्, आजादी गण में त्रिफल शब्द पढ़ दिया गया इसलिए द्विगु समास होने पर भी द्विगोह से यहाँ पे ङीप नहीं होगा बल्कि आजादी गण में पढ़े जाने से टाप ही होगा तो त्रिफला शब्द बनेगा, ठीक है। एवं च केवल मामक भागधेय पापापर समानार्य कृत सुमंगल भेषजाच इत्यादि सूत्र हैं जिनसे स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर केवल शब्द से ङीप करके केवली, सुमंगल शब्द से ङीप करके सुमंगली, रात्रेश्चादसौ रात्र शब्द से ङीप करके रात्रि, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे पति शब्द से स्त्रीत्व को अर्थ को कहना हो तो यज्ञ संबंधे ङीप प्रत्यय भवति जो पत्नी इति शब्दः सिद्ध्यति। एवं च अत्र मया विभागः प्रदर्शितः टाप डाप चाप इति अजाद्य तष्टाप इत्यनेन अजा वत्सा बाला इत्यादयः शब्दाः भवन्ति टाप प्रत्यये कृते। सीमा बहु यज्वा वृत्रः मन्नन्तः अन्नन्तः यदि प्रातिपदिकम् अस्ति चेत् मन्नन्त प्रातिपदिकात् अन्नन्त प्रातिपदिकात् च डाप प्रत्ययः भवति। चाप कारीशगन्ध्या आवट्या सूर्या इत्यादीनि उदाहरणानि सन्ति। नाम चा प्रत्यये कृते कारीश गन्ध इव गन्धो यस्याः सा कारीशगन्ध्या चा प्रत्ययः भवति अत्र। यङन्तः अयं शब्दः आवट्या इति आवट्या च इति सूत्रम् अग्रे। सूर्या सूर्यात् देवतायां चा वक्तव्यः। सूर्यस्य स्त्री देवता यदि अस्ति चेत् तत्र चा प्रत्ययः भवति।
यदि मनुष्यवाचक यदि सूर्यस्य स्त्री उच्यते सूर्यस्य स्त्री मनुष्य नाम मानुषी अस्ति काचित् चेत् तत्र चाप् न भवति अपि तु सूरी पुंयोगात् आख्यायाम् इति सूत्रेणैव नीप्रत्ययः एव भविष्यति सूरी चाप् प्रत्ययस्य अपवादः एवं च देवतावाची अस्ति चेत् सूर्य अन्यथा सूरी इति विविधार्थक स्त्री प्रत्यन्त शब्दाः केचन सन्ति विशेषार्थं बोधयन्ति के स्त्रीत्वमेव अर्थं न बोधयन्ति अन्यार्थं बोधयन्ति यथा हिमानि नाम हिमारण्ययोर् महत्वे महत् हिमम् अधिकं हिमम् इत्यर्थं बोधयन्ति तत्र आनुकागमः नीश् प्रत्यये कृते हिमानि एवमेव महदरण्यं घना जंगल ऐसा अर्थ को यहाँ पर अरण्यानि इस शब्द से ऐसे अर्थ पे प्रतीति होती है महत् अरण्यम तो यहाँ पर भी नीश प्रत्यय विधान किया है यवाद दोषे यव शब्द से यव प्रातिपदिक से नीश प्रत्यय दुष्टो यवह इस अर्थ में दुष्टो यवह यवानी है ना यवनान लिप्याम यवनानि यवन शब्द से लिपि वाची यदि होगा लिपि अर्थ को कहने में यवनानाम लिपि ही इस अर्थ को कहने में यवनानि इति शब्द से प्रयोग भवति एवं च भिन्नार्थकाः इति शब्दाः स्त्रीत्वे कृतेपि एवं नीप नीश नीन टाप डाप चाप इति विषये अस्माभिः चर्चा कृता अग्रे प्रत्यय वर्तते ऊं प्रत्ययः सि प्रत्ययश्च अत्र ऊं प्रत्ययः नाम ब्रह्मबन्धुः इति उदाहरणमस्ति सि प्रत्ययस्य युवतिः इति उदाहरणमस्ति ब्रह्मबन्धु शब्दात् ऊं प्रत्ययः विधीयते ऊं प्रत्यये कृते ऊमुतः इति सूत्रम् एवमेव ति प्रत्ययः यूनस्ति इति सूत्रेण विधीयते युवन् इति प्रातिपदिकात् ति प्रत्यये कृते युवतिः इति रूपं भवति वस्तुतः युवती इत्यपि रूपं साधु युवती इति शब्दः अपि दृश्यते युवती अत्र उगितश्च किं भवति उगितश्च इति सूत्रेण नि प्रत्ययः भवतु कथम् अत्र युधातोः शत्रि प्रत्यये कृते युवत् इति उगित् प्रातिपदिकात् नि प्रत्यये कृते युवतिः युवति नि प्रत्यये कृते युवती इति शब्दः सिद्ध्यति अथवा कृदिकारादक्तिनः सर्वतो अक्तिन्नर्थात् इत्येके इति गणसूत्रे पठितं वर्तते तर्हि गणसूत्रे पठितत्वात् कृदिकारान्तः वा भवतु अकृदिकारान्तो वा भवतु तस्मात् ङीप्रत्ययस्य विधानं वर्तते एवं गणसूत्रे निर्दिष्टम् तर्हि ङीप्रत्ययस्य विधानेन गणसूत्रे पठितत्वात् ङीप्रत्ययस्य विधानेन युवती इति दीर्घ ईकारान्तः शब्दोऽपि श्रूयते अन्यथा युवती करकोमलनिर्मथितम् इत्यादि प्रयोगानां कथं साधुत्वं स्यात् अतः युवती इति दीर्घ ईकारान्तः शब्दः अपि श्रूयते तर्हि तस्य युवतिः युवति इति उभयमपि साधुः एवं च यद्यपि स्त्रीलिंग प्रकरण में स्त्रीत्व अर्थ का बोध कराने वाले स्त्री प्रत्ययों का स्त्री प्रत्ययांत शब्दों का आचार्य ने निर्देश किया है टाप डाप चापस त्रयोप्येते नीप नीश नीन प्रत्ययैः सह उंतिभ्यां मिलिताश्चापि संत्यष्टौ प्रत्ययाः स्त्रियाम् एवं अष्टविधः स्त्री प्रत्ययाः निर्दिष्टाः तथापि फिर भी लिंग निर्धारण के विषय में शब्दशास्त्रोपदेष्टा आचार्य पाणिनि ने कहा है लुप्पि युक्तवद् व्यक्तिवचने विशेषणानां चाजातेः तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वा इस प्रकार अष्टाध्यायी में निर्देश किया है नमः युक्तवत् भावं तत्र उक्तम् युक्तवत् भावकथनं तत्र कृतम् लिंगम् अशिष्यम् संज्ञा प्रमाणत्वात् लोक व्यवहार अधीन होने के कारण से संज्ञा शब्दानां लिंगम् वचनं च तत् स्वभाव सिद्धमेव लोकतः एव सिद्धम् स्वभावतः सिद्ध है लोकतः एव सिद्ध है उसके लिए यत्न की आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार के यत्न की आवश्यकता जैसे आपः शब्द है दाराः शब्द है वर्षाः शब्द है नित्य बहुवचनांत है पुल्लिंग है दारा शब्द स्त्रीत्व बोधक है लेकिन
पुल्लिंग शब्द जो है पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार यत्न करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वभाव सिद्ध है। अत्र युक्तवत् भावम् अशिष्यम् इति भाष्यकारस्य वचनम्। युक्तवत् भावम् अशिष्यम्, इसी को लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य इति आचार्येण उक्तम्। नाम लिंग विधायकम अनुशासनम न कर्तव्यम्, लिंग विधायकानि सूत्राणि न कर्तव्यानि लोकतः एव तत्तस्य सिद्धत्वात्। एवं ही तदेतत् इन सभी स्त्रीत्व अर्थबोधक जो स्त्री प्रत्यय उपदेश किए हैं आचार्य ने, अयम आचार्यस्य उपदेशः स्त्री प्रत्यय प्रकरणम् स्त्रियाम इत्यधिकार निर्देशः, स्त्री प्रत्यय प्रकरण का निर्देश, स्त्रियाम इस अधिकार का निर्देश, ये सभी जो निर्देश किए हैं, यद्यपि लिंग अशिष्य है शासितुम अशक्यम, तथापि यह जो निर्देश किया है प्रकरण का, वो शब्दानाम लिंग निर्णयार्थम प्रथम वर्तते, लिंग निर्णय के लिए किया है, लिंग के स्वरूप को बताने के लिए नहीं किया है। लिंग स्वरूप प्रतिपादनार्थम अत्र अस्य प्रवृत्ति नास्ति अपितु लिंग निर्धारणार्थम प्रवृत्ति अस्ति इति अवगंतव्यम्। इसी बात को, इसी विषय को भर्तृहरि ने कहा है, स्त्रीत्वादीनां व्यवस्था ही सा लिंगैः अत्र व्यपदिश्यते, नाम व्यवस्था निर्देशः अत्र कृतो वर्तते। वस्तुतस्तु शिष्ट प्रयोगाश्रितः अयम् सर्वोपि लिंग व्यवहारः, भाव तत्त्वदृशः शिष्टाः शब्दार्थेषु व्यवस्थिताः, यद्यद् धर्मे अंगताम् इति लिंगं तत्तत् प्रचक्षते। तर्हि एतत् सर्वमपि भावतत्त्वविदाः ये शिष्टाः सन्ति तेषां प्रयोगान् आश्रित्यैव लिंग निर्धारणम् अस्माभिः कर्तव्यम् इति अस्य अभिप्रायः, एवं च समयः अपि समाप्तः। अनुसन्धेत्सून् मनसि संधाय मया अत्र स्त्री प्रत्यय विषयक विचाराः अत्र उपस्थापिताः संक्षेपेण दिग्दर्शन रूपेण अत्र अहं प्रास्ताविशम्। सद्यः अवसीयते मत्कर्मणा। यदि छात्राः प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् प्रष्टुम् अर्हन्ति, जिज्ञासां प्रकटयितुम् इच्छति काचित् जिज्ञासा अस्ति चेत्। उच्यतां, नीतू कुमारी बोलिए। सा सर्वदा करोति, न पृच्छति, केवलं हस्तमेव दर्शयति। नीतु पृच्छतु, इदानीं वदामि चेत् एवमेव। यदि कोई पूछना चाहता है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। आचार्य निर्देश था 10 बजे तक कक्षा समाप्त करनी है, तो तदनुसार मैंने विषय यहीं पर। भवत्या व्याख्यानेन संतुष्टाः संशय रहिताः इति वयं भावयामः। तर्हि भवत्या कृते अहं धन्यवादान् समर्पयामि। भवती अत्र आगत्य स्त्री प्रत्यय प्रकरणं इतः प्राक् अस्मिन् कार्यक्रमे भवती पाठितवती, तदर्थम् अयं संयोजकः आधमरणीयं प्रकटयति। इदानीं छात्राः अपि लिखन्तस्सन्ति, उत्कृष्टं व्याख्यानं कृतमस्ति इति। इदानीम् अहं साधनायै मञ्चमिमम् अर्पयामि, उपस्थितिं स्वीकुर्यात्। अस्ति वा अत्र पठने? आचार्यः ध्वनिः न श्रूयते। इदानीं धीरजस्य प्रश्नः जिज्ञासा वर्तते मन्ये, यतोहि तेन सन्देशः कृतः पूर्वं, यदि तस्यैव जिज्ञासया शान्ति। धीरजः हस्तं दर्शयतु। Show your hand. ध्वनिः न श्रूयते धीरज। न, इदानीं सः स्वीयं हस्तम् अत्र प्रकटये, ततः परमेव अहम् अन्म्यूट् कर्तुं पारयामि, नो चेत् अत्र कुत्र अस्ति न ज्ञायते।
इंडिया नाम लिखितवान अस्ति वा आङ्ग्लभाषया धीरज हाँ वदतु अनम्यूट करोतु हरि ओम नमस्ते मैम जिज्ञासा वर्तते यत् अष्टौ एव स्त्री प्रत्ययः इति निश्चितः वा अन्यः अपि भवितुं शक्नोति अष्टौ एव सन्ति स्त्रियाम् इत्यधिकारे निर्दिष्टाः ये प्रत्ययाः अष्टौ एव प्रत्ययाः सन्ति भवता इयं जिज्ञासा कुतः उदेति तत्र मूलं किम् न सिद्धान्तकौमुद्याम् अष्टौ एव पठिता अहं चिन्तितवान् कदापि अन्यः अपि कुत्रापि अष्टाध्यायी सूत्रपाठे अपि आचार्येण अष्टौ एव प्रत्ययाः निर्दिष्टाः ते एव भट्टोजीदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यामपि तत्र निर्दिष्टाः सन्ति नमामि धन्यवादः अवगतम् आम् धीरजः मन्ये तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे एकः स्फा प्रत्ययः अपि आयाति मन्ये सोपि स्त्रीप्रत्यय अधिकारे एव अस्ति किल कुत्र प्राचामिष्फतद्धितः इति स्फा प्रत्ययः स्त्रीप्रत्यय अधिकारे एव अस्ति मन्ये तम् अधिकृत्य कदाचित् अस्य मनसि शङ्का स्यात् किन्तु सः स्त्रीबोधकः नास्ति अधिकारत्वेपि साधना महोदय उपस्थितिं स्वीकर्तुं पारयति तत्र श्वप्रत्ययान्तेन कार्यं विहितं श्वप्रत्ययान्तः प्रातिपदिकम् अस्ति चेत् तस्मात् ङीप् विहितः वर्तते एवं साधना महोदय केचन छात्राः मां पृष्टवन्तः इदानीं तत्र ग्रूप् मध्ये उपस्थितिं न उपस्थापयति इति अतः करिष्यामि पुनः अत्रापि अहं ये अनुपस्थिताः भवन्ति तेषां नामानि उच्चारयामि यत् एते छात्राः अनुपस्थिताः